फरदाबाद क्षेत्र से जेजेपी से टिकट के दावेदार कुलदीप तेवतिया का कहना है कि वर्तमान विधायक ने सिर्फ जनता को लूटा है, लेकिन जनता आने वाले वक्त में इसका जवाब देगी। और कुलदीप तेवतिया सीधी बात की हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा ने। 2019 का शंखनाद बज चुका है और यही शंखनाद तय करेगा कि परिणाम किसको मिलेगा और सत्ता का जो सहरा है वो किसके सर सजेगा। लेकिन फिलहाल के तौर पे मैं फिलहाल इस समय फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में खड़ी हूँ और यही के संभावित उम्मीदवार जेजेपी से कुलदीप तेवतिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। फिलहाल तो आनंद टीवी की तरफ से आपको बेहद सारी शुभकामनाएं। और जो सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि अगर मैं समझने की कोशिश करूँ फरीदाबाद क्षेत्र से, तो फिलहाल के तौर पर कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक जो है विपुल गोयल है यहाँ पर, क्या आप मानते हैं कि कांटे की टक्कर यहाँ नजर आ रही है? कांटे की टक्कर नहीं कह सकते, वो डाउन है बिल्कुल यहाँ पर ना। आज जनता उससे इतनी ज्यादा त्रस्त हो चुकी है कि वो बिल्कुल एकदम डाउन हो चुका है। बल्कि मैं पूरी बीजेपी की ही कहूंगा कि आज की डेट में जो बीजेपी है बिल्कुल डाउन है, और आज की डेट में जो जननायक जनता पार्टी हमारे ताऊ देवीलाल जी की जो पार्टी है वो बहुत ही, उसका जो ग्राफ जो ना बहुत ही ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है। कहते हैं जेजेपी का आधार जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला को फिलहाल के तौर पे यंग चेहरे के तौर पे माना जा रहा है, उस तरीके से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी को आप टक्कर देने वाली कंडीशन में है? देखिए, आज तक जितने भी हमारे यहाँ पर हरियाणा के अंदर जो भी सीएम बने हैं वो सारे ही अधेड़ उम्र से ज्यादा बने हैं। उनको ठीक है एक तजुर्बा होता है, पर लेकिन उस तजुर्बे का वो नाजायज फायदा उठाते हुए लोगों को आज जो है इतनी ज्यादा परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। अगर जो शुरू से ही युवा सीएम हमारे बीच में आते, जिस तरह की आज दुष्यंत चौटाला जी हैं और हमारे अच्छे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अपने दुष्यंत चौटाला जी हैं, तो अभी ये जब आएंगे, युवाओं की आस इनसे बहुत ज्यादा, जब आएंगे तो युवाओं के लिए रोजगार और जो अपने बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्गों के लिए पेंशन का जो सुविधा भी ये करने जाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो 5100 रुपए की उनकी पेंशन बनाई जाएगी। शुक्रिया सर आनलाइन टीवी से खास बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप तेवतिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 75 पार की राजनीति बीजेपी के लिए यहाँ भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के साथ इस बार जनता नजर आने वाली है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं भावना, आनलाइन टीवी फरीदाबाद।